ऑल्ट बालाजी पर बहुत जल्द आने वाली एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है क्लास ऑफ 2020 और इसमें रोहन मेहरा और चेतना पांडे की जोड़ी जमेगी और इसमें ये बने हैं स्टूडेंट्स और आज अपने पूरे क्लासमेट्स के साथ ये लोग करा रहे हैं अपना फोटोशूट। तो दो होनहार स्टूडेंट यहाँ पर है जो क्या क्या मस्तियाँ क्या शोर गुल क्या मचाने वाले क्या बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा धमाल लेके आ रहे हैं हम लोग बिकॉज 6 महीने से वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट देन वी आर शूटिंग फॉर इट और फाइनली इट हैज़ ऑल कम टुगेदर सो वेरी वेरी एक्साइटेड बहुत सारा मस्ती देखने को मिलेगा आप सबको। रोहन इब्राहिम क्या क्या करना है? इब्राहिम ने बहुत चीज़ें ऐसी की है जो आपने पहले नहीं देखी कभी भी। आपको तो पता ही है जो मैंने टीवी शोज़ किए गुड बॉय मिस थी मेरी तो इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें नई की है बहुत नई काफ़ी बदमाशियाँ करना शुरू कर दी है। मैंने सिगरेट भी पी रहा हूँ मैं इसके अंदर पहली बार मैंने ज़िंदगी में ट्राई की इस वेब सीरीज़ के लिए और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं तो आपको जो देखने को मिलेंगी। और ये एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है इब्राहिम का ही इज़ अ बैड बॉय विद अ गुड हार्ट बट दिल का अच्छा है लेकिन वैसे कैसनोवा है तो बहुत चीज़ें हैं और 6 महीने की मेहनत है पूरी 30 एपिसोड आने वाले हैं तो बहुत कुछ किया है। कितनी बदमाशियाँ झेली है इसकी? इतनी बदमाशियाँ नहीं है एक्चुअली बहुत ही सीधा साधा डिसिप्लिन लड़का है। बदमाशी तो बाकी सारे लाइक आई एम ऑल्सो वेरी बदमाश आई यूज टू डू लॉट ऑफ बदमाशी ऑफ स्क्रीन वेरी सीधा ऑलवेज ऑन पॉइंट लाइंस याद करके मतलब इतना ज़्यादा लाइक आई यूज टू मीट हिम आज लाइक अभी क्या करने वाले हैं इसको सारी लाइन सब कुछ याद रहती है नेक्स्ट भी लाइक ओके प्रैक्टिस हो जाती है ना इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट याद कर करके बट इतने प्रैंक कितने कौन सबसे ज़्यादा प्रैंकस्टर सबसे बड़ा प्रैंकस्टर सबसे बड़ा एक्चुअली टोटो यूज टू मेक एवरी वन लाफ कुछ ना कुछ हमेशा मस्ती करते रहता था एंड या और कौन प्रैंक प्रैंक्स तो एक्चुअली सब बदमाशियाँ तो करते हैं एक्चुअली हम 6 महीने से ये वेब सीरीज़ करें जैसे मैंने बताया तो हम में भी थोड़ा सा वो बचपन आ गया था क्योंकि ऑब्वियसली और काफ़ी सारे बच्चे असली में भी जो स्कूल वाले हैं कॉलेज वाले हैं वो भी हमारे साथ हैं तो हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि हम भी उन्हीं के जितने हैं तो बड़ा मज़ा आया कि वी आर एक्चुअली रीलिविंग आवर स्कूल डेज तो मज़ेदार था काफ़ी एक्सपीरियंस। कितनी स्कूल की यादें ताज़ा हुई? स्कूल की बहुत ज़्यादा यादें ताज़ा हुई एक्चुअली जब हम क्लासरूम के अंदर वो बेंच पे बैठे हुए थे और वो बोर्ड देख के सब कुछ वापस याद आ गया एग्ज़ाम का प्रेशर लाइक एवरी टाइम आई एम रीडिंग एंड राइटिंग एंड आई वाज लाइक आई यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम स्टडीज़ और इस कैरेक्टर में आई एम दिस स्टूडियस गर्ल हु ऑलवेज कम्स फर्स्ट हु इज़ अ मॉनिटर ऑफ द क्लास व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव बिकॉज आई वाज नॉट लाइक दैट सो वो टोटल ऑपोजिट कैरेक्टर है। चीज़ याद आई जो कि ये बोल रही थी इसलिए 10 साल हो गए मैं स्कूल छोड़े हुए लेकिन अभी भी मुझे ऐसे सपने आते कई बार कि जैसे मैं मैथ्स के एग्जाम लिख रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है शिट फेल हो जाऊंगा डांट क्या कहेंगे अभी तक वो सपने आते हैं मतलब इतना प्रेशर होता है एग्जाम है और भूल गए अरे मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि बच्चों को कितना प्रेशर होता है मतलब इट्स नॉट गुड मुझे ऐसा लगता है कि पूरा खुला छोड़ देना चाहिए यार मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बोलना चाहिए कि अच्छा पढ़ो पास हो जाओ और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दो जैसे जो काम आती है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस के अलावा कुछ काम आता है लाइफ में जैसे अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ बस पैसे गिनना और वो सब ही काम आता है। वन थिंग इज़ देयर दैट प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट हमने बहुत कुछ थ्योरेटिकली पढ़ा है स्कूल टाइम पे बट अब जाके रियलाइज होता है मोर ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल थिंग्स वो लाइफ में काम आती हैं एंड एग्ज़ाम का तो सच में मुझे भी ऐसे सपने आए थे कि वापस मैं स्कूल में पहुँच गई हूँ मेरा एग्ज़ाम होगा जो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं करना था बट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है। अच्छा एक बार फिर से यूनिफॉर्म में है तो अपनी यूनिफॉर्म कॉलेज स्कूल नेम हाई। 2020 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग तो क्या अलग होगा आज के ज़माने के हम स्टूडेंट्स बहुत चीज़ें होने वाली एक्चुअली अलग तो हमारे टाइम में जो चीज़ें होती थी वो अब नहीं होती है अब तो बिल्कुल चेंज हो चुका है सब कुछ ही और जैसे कि हम देखते हैं चीज़ें टीवी में भी बहुत सारा कॉन्टेंट बन रहा है तो आजकल के स्टूडेंट्स हैं हम और जो चीज़ें पहले होती थी वो अब नहीं होती है तो ये नहीं कि सिर्फ जो इस आजकल के लोगों को ये समझ में आएगा जो हम पुराने भी जैसे जो जिन्होंने स्कूल करे हो जैसे 10 साल हो गए वो लोग भी रिलेट कर पाएंगे चीज़ों से और उनको भी बहुत मज़ा आएगा देखने उनको भी समझ में आएगा कि आजकल बच्चों की लाइफ में हो क्या और पेरेंट्स को भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि उनको भी समझ में आएगा कि यार जनरेशन गैप होता है जैसे कि आजकल बच्चे ये सब कर रहे हैं तो वो भी अकॉर्डिंगली चीज़ें देख सकते हैं कि यार बच्चे अब ये सब कर रहे हैं तो हमें अब उनको ऐसे रोकना है या नहीं रोकना है तो यार
कैसे यू नो आप एक टीनेज जिसमें होते हो कैसे आप चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हो, बट इवेंचुअली कभी कभी लाइफ इतनी टैंगल्ड हो जाती है, आप सब कुछ सही करना चाहते हो बट चीज़ें कैसे गलत होती जाती हैं, फिर आप किस मेंटल लेवल पे पहुंचते हो, देन हाउ डू यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट. सो एवरी कैरेक्टर दैट वी हैव इन दिस स्टोरी हैज़ gone through a total journey from, you know, being normally studying in a school and goes through so much, phir kya controversies hoti hain, how to get out of it, and mera character to और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारी वेब सीरीज है क्लास ऑफ 2020 ये फेब में रिलीज़ हो रही है 4 फेब को. और एक और खास बात यह है कि 30 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ है जो कि आज तक कभी भी नहीं बनी है 30 एपिसोड्स की इंडिया में, तो जहाँ तक मेरा मुझे नॉलेज है नहीं बनी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है. तो 10 एपिसोड्स पहले रिलीज़ होंगे पर 10 बाद में और 10 उसके बाद, तो पूरा लोगों को मज़ा आने वाला है और लोग आई एम श्योर कि वेट करेंगे कि आगे के एपिसोड्स कब आएंगे, क्योंकि जब मुझे करते हुए इतना मज़ा आया तो पक्की बात है कि लोगों को देखने में तो 100% मज़ा आने वाला है. और यू नो काफ़ी सारे हर कैरेक्टर की एक जर्नी है, सो देर इज़ सो मच इन्वॉल्व इन दिस, नॉट जस्ट स्कूल स्टडीज़ बट देर इज़ अ लॉट मोर दैट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू योर फैमिली पेरेंट्स, मतलब इट्स लाइक अ कम्प्लीट पैकेज. क्लास के अलावा भी घर पे जाके क्या करते हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, उसके पार्टीज़ में क्या हो रहा है आजकल, बच्चे कैसे सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद वापस स्कूल में आके सब चीज़ें क्या हो रही है, तो सब एक पूरा मिक्सचर है जो आजकल का जो 17-18 साल का इंसान कर रहा है, बच्चा कर रहा है, वो सब चीज़ें पता चलेंगी. चलिए तो हम लोग आपको ऑल द बेस्ट ऑफ लक ही कहेंगे. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.